2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के हित की बात करके बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन 3 साल बीतते बीतते सारी बातें हवा हवाई हो गईं। किसानों के हित में बात करने वाली बीजेपी कैसे किसानों को अनदेखा कर रही है, इसका खुलासा खुद बीजेपी के एक सांसद ने किया है। जी हां, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों में झूलझाल करने का आरोप लगाया है। 2 साल में सरकारी आंकड़ा है कि 7,500 किसानों ने आत्महत्या, जबकि सच्चाई की बात 50,000 से ज्यादा है। साथ ही वरुण गांधी ने विजय माल्या के कर्ज माफ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 40,000 की वजह से लोगों ने अपनी जान ली, इसकी आप तुलना करें विजय माल्या के साथ, जिसके लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन था, थोड़ा सा उससे कम, और जैसे ही उसको नोटिस आया उस देश छोड़ के वो भाग गया। वहीं दूसरी पार्टियों ने वरुण गांधी के बयान का समर्थन किया है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वरुण जी को बधाई देंगे, कम से कम बीजेपी में सत्य बोलने वाला तो मिला। ठीक बोला वरुण, वरुण अच्छा लड़का है। सच का आईना दिखा रहे हैं वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद। बीजेपी एक बार फिर किसानों के मुद्दे को लेकर यूपी में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी के खुलासे के बाद साबित हो चुका है कि किसानों के हित में बात करने वाली बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है।